तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर ऑफिशियल। तो दोस्तों और सुनाओ, क्या हाल है, कैसी चल रही है पतंगबाजी? अच्छा, पतंगे नहीं है और लॉकडाउन भी आगे बढ़ गया है, तो टेंशन काहे लेते हो यार, हम बैठे तो हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बना के दिखाने वाले एकदम होममेड काइट, पूरी घर की पतंग आपको बना के दिखाएंगे। कुछ भी पेपर वेपर हम बाहर का यूज नहीं करेंगे। और देखो, अगर आपकी तरफ भी लॉकडाउन हो गया है और आपके पास कुछ भी पतंग नहीं है, तो देखिए आप घर में आसानी से पतंग बना सकते हो। तो उसके लिए देखिए, आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले जो चीज़ है वो है भाई आपकी पन्नी। पन्नी होनी चाहिए आपके पास, पन्नी तो होगी ना? हाँ, पन्नी। और दूसरी चीज़ है आपके पास टेप। पन्नी ले लेना आप, कितनी बड़ी ले लेना आपकी मर्जी है, जितनी बड़ी पतंग बनाना चाहो। दूसरी चीज़ है टेप, और तीसरी चीज़ है काप-ठड्डे। अच्छा, काप-ठड्डे नहीं है, पन्नी तो है ना? पन्नी भी नहीं है? हाँ पन्नी है ना? हाँ बस सही है। तो देखो, अगर काप-ठड्डे आपके पास नहीं है तो टेंशन मत लो। देखो, काप-ठड्डे नहीं तो मैं आपको तीन चीज़ें बताता हूँ, तीन तरीके। अगर पहली बात, आपको काप-ठड्डे मिल जाते हैं पुरानी पतंगों के या कहीं से भी मिल जाते हैं, तो देखो आप काप-ठड्डे यूज कर लेना। दूसरी बात, अगर आपको काप-ठड्डे नहीं मिलते हैं, तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी बांस की। आप देखना आपके घर में कहीं पर बांस पड़ा हो, तो अगर आपके पास बांस हो देखो, उसमें से आप काप-ठड्डे इसके निकाल लेना। और अगर आपके पास ना ही काप-ठड्डे ना ही बांस है, तो जो आखिरी आपके पास ऑप्शन बचता है, उससे थोड़ी पतंग थोड़ी सी 19-20 बनेगी, लेकिन तब भी बन जाएगी। जो आखिरी ऑप्शन आपके पास बचता है वो है भाई झाड़ू की सीख। तो तीसरा ऑप्शन एकदम लास्ट ऑप्शन है, उसे आप तभी यूज करना जब आपके पास काप-ठड्डे नहीं है और आपको पतंग उड़ानी ही उड़ानी है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इस पन्नी को करना है कट, और कट करके देखते कितनी बड़ी पन्नी हमें मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यार, पन्नी तो काफ़ी बड़ी निकल आई है। मुझे लग रहा है इसमें हम दो तीन पतंगे बना लेंगे। फिलहाल हमें जितनी ज़रूरत है हम उसी का यूज करेंगे, और बिल्कुल भी हम पन्नी बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई हमें कब इसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो देखो, अगर आपको पतंग बनानी है तो हम बनाएंगे आज पौनी पतंग का पिद्दा। पौनी पतंग का पिद्दा बनाएंगे। आप जो भी चाहें, मंजोली, अद्दी, आप ऐसे बना सकते हैं। आपको पन्नी लेनी है, उसके ऊपर देखो आपको ऐसी पतंग रखनी है, इससे आपको पतंग का फर्मा मिल जाएगा एकदम से। तो हम पौनी बनाएंगे, उसके बाद हमें क्या करना, देखिए यहाँ पे हमने पूरी पतंग को सेट कर दिया, और पतंग को किसी चीज़ के हम दबा देते हैं इससे, ताकि ये उड़े ना। अब देखिए हमें क्या करना है, आप कुछ भी ले लेना, पेन मार्कर, और उसके बाद यहाँ पे आप आउटलाइन कर लेना इस पतंग के चारों तरफ। देखिए, आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप आउटलाइन कर रहे हो तो पतंग बिल्कुल भी हिलना, शायद मुझसे इस समय हिल जाए, क्योंकि मैं खाली आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ऐसे करके आपको आउटलाइन कर लेनी है। वो थोड़ी बहुत पतंग हिल गई है, हम बाद में देख लेंगे। जैसे ही आप आउटलाइन करोगे, जो आपको मिलेगा शेप, इसे हमें कट करना है, और कट करने के बाद देखो आपको पूरा पौनी पतंग का फर्मा मिल जाएगा। तो अब देखो यार, यहाँ पे हमें पूरी पौनी पतंग का फर्मा मिल गया। अब हमें क्या करना, सिर्फ इसमें काप-ठड्डे सेट करने। तो काप-ठड्डे भी सेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, थड्डा हमने सेट कर लिया। अब देखो इसमें कमान चढ़ाते हैं हम। और देखो, अगर आप पन्नी की पतंग बना रहे हो तो अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाना। हाँ, आप पे बहुत दिमाग है, लेकिन इतना यार खर्च मत करा करो, ख़त्म हो जाएगा। तो देखो, इसमें आप भाई टेप का यूज करना, कहीं फेविकॉल का यूज करने मत बैठ जाना इसमें, सही है? तो यहाँ पर हम कमान चढ़ा लेते हैं। और देखो, ये वाला टेप लगाने के साथ ही हमारी पतंग हो गई है कम्प्लीट। अब आप खुद देखो यार, सिर्फ मुझे 5-6 मिनट लगे इस पतंग को बनाने के लिए, और देखो पतंग हमारी पूरी बन गई, और काफ़ी बढ़िया ये पतंग उड़ेगी। आप कमान में देख सकते हैं, कमान दिखाता हूँ, देखो कितनी बढ़िया एकदम लोचदार कमान है, देखा आपने? और ठड्डा भी काफ़ी बढ़िया, देखो पतंग हमने बना दी है। और जो हमारे पास ये पन्नी बची है ना वेस्ट वाली, इसे हम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। ये अभी हमारे काफ़ी काम आएगी आगे, कभी हमें पतंग की ज़रूरत पड़ी या मुझ पे ये पतंग ख़त्म हो गई, तो इसी से बनाऊंगा भाई मैं भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारी पौनी पतंग थी, और यही देखो सेम टू सेम यही पतंग आई है निकल के, क्योंकि हमने देखो फर्मा इसी का काटा था, और एकदम सेम साइज आया है। तो देखो, ये थी भाई पतंग, इसीलिए लाइक कर दो। देखो पतंग कितनी बढ़िया बनी है, अभी उड़ा के दिखाते हैं आपको।
तो देखो यहाँ पे ये हमने सुबह पतंग बनाई थी, कन्ने अन्ने बांध लिए और शाम को हम चढ़ गए छत में। कभी कभी मैं सोचता हूँ यार ऐसे ही करना चाहिए, सुबह पतंग बनाओ शाम को लड़ाओ, सुबह बना लो 5-6 पतंगे शाम को उड़ाते रहो आराम से। चलो मैं मजाक कर रहा हूँ, अभी बहुत पतंग है तो अगर आप पे नहीं तो आप ऐसा बना सकते हो। अब देखो पतंग को हम उड़ा के देखते हैं, तो ये गई हमारी पतंग, उड़ जा उड़ जा यार उड़ जा, इज्जत का सवाल है। हाँ ये हुई ना बात। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पतंग हमारी पार हो रही है और हवा यार काफ़ी बढ़िया खुली है एकदम। देखो हवा कितनी बढ़िया है, शानदार हवा है एकदम। ये जा रही है हमारी पतंग पार होने में, तो अच्छी लग रही है, लग रहा कि हाँ भाई सही होगी पतंग। और हवा दिखाता हूँ, देखो इतनी सी पार मैंने करी, जैसी पतंग मैं रोकूँगा। ये हमने पतंग रोकी और देखो पतंग हमारी कैसे हवा में तन जाएगी, ये देखो तन गई आराम से पतंग हमारी। काफ़ी लोग सोचते हैं बस हमारी पतंग ऊपर जाके खड़ी हो जाए, तो देखो हमारी पतंग कितनी आराम से खड़ी है। अब इस पतंग को हम कर रहे हैं लंबा, और लंबा करके आपको खींच के दिखाते हैं कि भाई पतंग खाली देखने में ही अच्छी है या वर्क भी कर रही है भाई, क्योंकि दोस्तों की पतंग काटनी भी तो हमें इससे। तो देखो पतंग हमने थोड़ी और लंबी करी और हवा काफ़ी तेज़ है यार, पतंग संभलने में नहीं आ रही है। अभी खींच के देखते हैं इसे, ये पटकी हमने ये खींची ऊपर, भाई पतंग तो मज़ा ही आ गया कसम से, पतंग काफ़ी बढ़िया, दिल खुश हो गया पतंग बना के। और एक बात बताओ, इतनी बढ़िया आपने पन्नी की पतंग कहीं देखी है? नहीं देखी है ना तो लाइक करो यार वीडियो को जल्दी, क्या कर रहे हो। पन्नी की पतंग आपने वही देखी होंगी, 1 रुपये वाली, 2 रुपये वाली, इतनी छोटी छोटी, लेकिन हमने भाई पौनी बना दी, देख रहे हो। ये देखो कितनी बढ़िया है, कुछ हो रहा है यार, एक मिनट रुको भाई, कुछ हो रहा है कसम से। अरे हवा भाग रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हवा एकदम से भाग गई है इधर को, ये हो क्या रहा है, क्या आधी आ रही है क्या भाई, हुआ क्या ये? तो यार दोस्तों अभी क्या बताऊँ, मतलब पतंग को लगता है किसी ने नज़र लगा दी, इतनी ज़ोर से आप देख सकते हैं आधी आई कि पीछे बादल देखो पहले, तो इतनी ज़ोर से आधी आ रही है इस समय, आधी कह सकते हो आप इसे, काफ़ी तेज़ हवा है। कि ट्राईपॉड मेरा इतनी गिरने ही वाला था, मोबाइल उसमें लगा था, मैंने एक हाथ से ट्राईपॉड पकड़ा है तो मेरी जो पतंग थी वो घुस गई, क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ थी। लेकिन यार हमारे हाथ की पतंग, हमने मेहनत करी है, चाहे अगर मैं पैसों से खरीद के लाता तो इस पतंग को घुसा देता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमारे हाथ की मेहनत थी, इसीलिए यार मैंने जैसे तैसे ही पतंग निकाल ली। वो सामने जो घर देख रहे हैं ना वहाँ पर फंसी थी, तो मैंने निकाल ली पतंग, थोड़ी सी फट गई है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यार वो देखो सामने आप देख रहे होंगे कितनी तेज़ हवा चल रही है, पूरा पेड़ उड़ रहा है। और यहाँ पे देखो अभी तो कांड हो जाता, मतलब पतंग तो हमारी गई गई थी, हमारा ट्राईपॉड पूरा गिर गया था यार, मोबाइल लगा था उसमें, वो तो एक हाथ से मैंने पकड़ ली, वरना आज हो जाता कांड, नुकसान हो जाता लंबा। और जब पतंग हमारी घुस रही थी ना नीचे दीवार में, तो एक हाथ से तो मैंने मोबाइल पकड़ा था अपना ट्राईपॉड, तो और एक हाथ से पतंग जा रही थी, तो मेरे दिल से ये आवाज़ निकल रही थी, मेहनत बर्बाद, आगे आप समझ ही जाओ क्या बोलने वाला था मैं। तो यार यही हो गया था। और देखो अभी पतंग मार नहीं रही है, इससे पहले हमारी ये पतंग भी उड़ जाए आधी में और हम भी आधी में उड़ जाएं, अगली वीडियो चाहिए ना, तो हाँ बस मैं वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ, वरना हम भी उड़ जाएंगे, पतंग भी उड़ जाएगी हमारी।